एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है। आज मैं आप लोगों के साथ एक ब्यूटीफुल इजी सा क्यूट बन हेयर स्टाइल शेयर करने वाली हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा लगेगा इतने छोटे बाल पे आप बना लोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और मैंने कल ये हेयर कलर किया था, अगर आपको ये करना है तो ये हेयर कलर है कलर मेट का हेयर कलर क्रीम है, ये 7.30 शेड नंबर है ये। तो अगर आपको इस तरीके का कलर चाहिए तो आप ये वाला कलर ले सकते हो। मैंने इसको ऑनलाइन मंगाया था मीशो से, तो मुझे ये कुछ 100 रुपीज़ का पैकेट पड़ा था। तो ये आप मीशो पे ले सकते हो कलर मेट का हेयर कलर इस तरीके का, और काफ़ी अच्छा सा कलर आ जाता है। बहुत ज़्यादा बरगंडी या ब्राउन भी नहीं होता, कॉपर रेड में आपको हल्का सा कलर मिल जाएगा आपके बालों में। और हाँ, लेकिन जैसे जो वाइट हेयर होते हैं उनको ये अच्छे से कवर नहीं कर पाता है, क्योंकि मैंने इस पर कलर लगाया था, बट अच्छे से जो मेरा वाइट हेयर है वो कवर नहीं हो पाया। हाँ, आपको कलर चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपको वाइट हेयर को कवर करने के लिए कलर चाहिए तो आप इसको नहीं लीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने बालों में एक अच्छा सा पफ बनाना है, हल्का सा, ज़्यादा ऊंचा नहीं, लाइट पफ। उसके लिए आपको बॉबी क्लिप्स की जरूरत पड़ेगी। बॉबी क्लिप्स यूपी निकोनेट वन चाहिए इस हेयर स्टाइल के लिए आपको। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पफ बना रही हूँ। पफ मैं अपने पूरे बालों में बनाऊँगी, आपके फेस पे जैसा सूट करता होगा वैसे आप बनाइएगा। मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि मैम पूरा ईयर टू ईयर पार्टीशन करके पफ बनाने के लिए बताइए। तो आपको इस तरीके से हेयर को लेना है। आप चाहो तो आर्टिफिशियल पफ भी यहाँ पे लगा सकते हो, बट मैं नहीं लगा रही हूँ। हल्का सा ट्विस्ट करना है इस तरीके से, आगे की तरफ पुल करना है और आपका पफ बन जाएगा। इसके बाद आप क्लिप से इसको सिक्योर कर लो, ज़्यादा पीछे की तरफ मत ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं हाई बन बना रही हूँ तो हाई बन थोड़ा सा ऊंचा ही अच्छा लगता है क्राउन एरिया से। इस तरीके से मैंने कर लिया है। अब जहाँ जहाँ आपको लगे कि आपका पफ थोड़ा सा नीचे जा रहा है वहाँ पे आप अपनी फिंगर्स की मदद से देख सकते हो। बहुत ज़्यादा ऊंचा पफ भी नहीं बना रही हूँ मैं यहाँ पे, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कितना ऊंचा और नीचे बनाना है, वो आपको सारी डिपेंड करता है। अब आपको बैक से सारे हेयर को अच्छे से फॉर्म करना है और काफी एरिया पर लेके आना है। अभी रबर बैंड की मदद से हाई एकदम पोनी बना लीजिए, हाई पोनी पे। यहाँ पे मेरा जो पफ बनाया था मैंने वो निकल रहा है, इसको मैं इस तरीके से ऊपर की तरफ लेके जाऊंगी और एक क्लिप से इसको सिक्योर कर दूंगी। कॉम भी लगा सकते हो अगर आपको लगे कि मैनेज नहीं है अच्छे से हेयर को, और यहाँ पे क्लिप लगा देंगे। इसके बाद हमने हाई पोनी के बना लिए हैं। इसके बाद मैं एक डोनट बन ले रही हूँ। ओके, डोनट बन को लेना है, इसलिए आपको हाई पोनी में इसको इंसर्ट करना है इस तरीके से। हमारे बाल जैसे कि छोटे हैं तो आपको करना क्या है, अगर आप सिंपली रबड़ बैंड वाला बनाते हो स्टाइल तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आपको सिंपली इस तरीके से हेयर को धीरे धीरे फैलाते जाना है। बहुत इजी ट्रिक है अपने छोटे पतले हल्के बालों को काफ़ी अच्छा और खूबसूरत सा लुक देने के लिए। जल्दीबाजी मत कीजिएगा क्योंकि बाल हमारे छोटे पतले हैं एंड लेंथ में कटे हुए हैं, तो आपका जो डोनट बन है वो अच्छे से हाइड नहीं होगा।
बेशक आपका यूपिन जो है वो थोड़ा ज़्यादा लग जाए, लेकिन जो रोनट बन है वो अच्छे से हाइट हो जाना चाहिए। फ्रंट से जैसे ये हमारा हेयर इधर को गया है, तो आप यहाँ से यूपिन लगाओगे ताकि वो अपनी जगह से सटके नहीं और वहीं पे आपका जो हेयर स्टाइल है बन है वो अटैच हो जाए। तो मेरे देखो यहाँ पे 6 से 7 यूपिन लग गए हैं, क्योंकि मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा लेयर पे बैठे हुए हैं, तो बस निकल जाते हैं। इसलिए आप अपने हेयर के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, अगर आपके बाल पतले लंबे पतले हल्के हैं एंड लंबे हैं तो बहुत ईजिली तरीके से आपका ये हेयर स्टाइल है वो बन जाएगा। ऐसे ही लगाइएगा कि आपके सिर में पेन ना होने लग जाए बाद में, जैसे कि बहुत ज़्यादा पेन अगर स्कैल्प के साथ अटैच होती है तो बाद में सिर में पेन होने लगता है। तो इस तरीके से लगाइएगा कि ज़्यादा आपके स्कैल्प के साथ हेयर है जो वो ना लगे। ओके, तो अभी हमने बन को बना लिया है कंप्लीट। फ्रंट से अगर आपको लेयर्स निकालनी है तो आप निकाल सकते हो, मेरे फेस पे सूट करता है तो मैं निकालती हूँ, बाकी अपने फेस के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। कभी भी किसी और के फेस पे क्या सूट कर रहा है वो देख के आप अपना हेयर स्टाइल मत बनाइए, आप देखिए आपके फेस पे क्या सूट कर रहा है। जैसे आपका फेस बहुत चौड़ा में है तो आपको साइड से लेयर्स निकालने चाहिए, फोरहेड बहुत बड़ा है तो साइड फ्लिक्स निकालने चाहिए, और लॉन्ग में फेस है आपका तो आपको इस तरीके का हेयर स्टाइल बनाना चाहिए जिससे कि सारा हेयर आपका एक साइड में गिरे, जिससे कि आपका हेयर स्टाइल जो है और आपका फेस है वो दोनों को फ्रेम मिले एंड बहुत अच्छा लुक आ जाए आपके बालों का। तो ये था आज का हेयर स्टाइल, जो कि बहुत ईजी है, छोटे बालों में पतले हल्के बालों में बहुत आसान तरीके से आप ये खूबसूरत सा हेयर स्टाइल बना सकते हो, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपके बाल काफ़ी शॉर्ट हैं। एंड रोनट बन की मदद से आजकल रोनट बन तो बहुत ईजीली मिल जाता है कहीं भी, तो आप ट्राई कर सकते हो। तो अगर आपको कलर करना है तो आप ये वाला कलर ले सकते हो और कर सकते हो। तो कैसा लगा आज का हेयर स्टाइल, आई होप कि पसंद आया हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा यार, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। डे बाई डे मैं इसी तरीके की खूबसूरत हेयर स्टाइल्स की वीडियोज़ ईजी सहल लेकर आते रहती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट। कल मैंने 25 हेयर स्टाइल एक ही वीडियो में अपलोड किया था, जो कि बहुत इजी और बहुत ही खूबसूरत हैं एंड एवरीडे में भी बना सकते हो। कॉलेज ऑफिस गोइंग गर्ल्स हैं तो वो बना सकती हैं, तो ट्राई देख लीजिएगा वीडियो और ट्राई कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आज से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है तो नवरात्रि की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, हार्दिक शुभकामनाएँ। तो आपको ये दिख रहा होगा चंदन वंदन तो कलश स्थापना हुई है घर पे, जिसकी वजह से मैं इस तरीके से रेडी हुई थी, और फिर अभी लेट हो रहा था तो मैंने सोचा वीडियो के लिए आप लोग वेट कर रहे होंगे तो वीडियो बना लिया जाए, तो वीडियो बना लिया। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।